हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 3, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मार्क करूँगा, आपको ये अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे अपन लोग। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको नहीं करने हैं। ये पहले तो आपको एक्सप्रेशन दिए, ये एक्सप्रेशंस आपको नहीं करने। हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इनको, तो इनको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूनिटी। ये क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हार्वर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड। इस क्वेश्चन को भी नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन नहीं करना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टर हैड टू चेसल अवे द सॉलिडिफाइड रीजन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स। ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विथ ग्लेडेड ट्रेजर। ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये किंग से लेकर आप इसको, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तुनखेतेन टू तूतन खेमम खेमन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कि मतलब जो बॉय किंग था उसने अपना नेम जो था उसका नाम तूतन खेतन था पहले, तो उसने कर लिया था तूतन खेमुन। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन का आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चूँकि, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हुआ, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द डीड दैट दैट लेड रॉय जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनेट एज वैकी। ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको क्वेश्चन करना होगा और इसके आपको 1, 2 एंड 3, ये तीन ऑप्शन आपको कंप्लीट करने हैं यहाँ से। ये तो पूरा कंप्लीट करना ही है, और यहाँ पर जो तीन आपके पॉइंट दिए हैं तो ये 3 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वॉट वर द रिजल्ट ऑफ सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन का रिजल्ट है, आपको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसको आप कंप्लीट करें। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस। ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को आप यहाँ से लेकर, आपको बताते हैं हम, ये स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है और इसका ये पूरा का पूरा आंसर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये पूरा आंसर करना है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनअर्थ वरीड मिस्ट्रीज। या दैट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करने, इसके 3 पॉइंट आप राइट कर लेना। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट राइट करना है, ठीक है ना। या ये वाला, ये और ये 3 पॉइंट आपको राइट कर लेना, ओके। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फॉर और अगेंस्ट, इसके दो, चूँकि दो आंसर बनते हैं, तो
फॉर के आपने 3 पॉइंट कर लिए और इसके अगेंस्ट वाले भी आप 3 पॉइंट कर लेना, ठीक है ना। और ऐसे ही राइट करना है, फॉर और अगेंस्ट, मतलब उसके लिए और उसके खिलाफ। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट। तो यहाँ पर भी फॉर और अगेंस्ट है, तो ये आपके ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ये क्रॉस कर देना ये क्वेश्चन। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेडिशन रिचुअल्स एंड फेनररी प्रैक्टिस मस्ट बी रेस्पेक्टेड। यहाँ पर भी दो ऑप्शन दिए हैं आपके, दो स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पर आपका फॉर वाला है, फॉर के आपको 2 करने हैं, और अगेंस्ट वाला है तो अगेंस्ट के भी आपको यहाँ पर 2 ही करने हैं, ठीक है। अगेंस्ट जो दिया है ना, अगेंस्ट के भी आपको 2 पॉइंट ही राइट करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉलेज अबाउट द पास्ट इज़ यूजफुल टू कम्प्लीट अवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। हाँ, यहाँ पर भी आपको 2 चीज़ हैं, एक फॉर है और एक अगेंस्ट है, इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन आप क्रॉस कर देना, इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके आपको 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट राइट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेज। हाँ, इसका इसका जो आंसर आप राइट करेंगे, ये आंसर आपको कंप्लीट राइट करने हैं, यस, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको राइट कर लेना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डू यू थिंक वी कुड हेल्प प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स। ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना होगा, इस क्वेश्चन को आप राइट करें, ठीक है। 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट आप यहाँ पर राइट कर लें इसके। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये घोस्टली डस्ट डेविल मीन्स, इसके आपको ओनली मीनिंग राइट करने, तो हमने आपको पहले से ही मीनिंग राइट करा दिए हैं इसके, तो अलग से आपको मीनिंग राइट करने की ज़रूरत नहीं, इनकी मीनिंग राइट करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, और ज़रूरत है तो आपको ये वाले जो हैं यहाँ पर ये दे रखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये वाला सेकंड, यहाँ पर सिटी स्कैन के बारे में बताया, एमआरआई के बारे में बताया, टोमोग्राफी, ऑटोप्सी, डायलिसिस, ईजीसी एंड पोस्टमार्टम, है ना, एंजियोग्राफी, है ना, वायोप्सी, ये सभी के सभी मेडिकल टर्म हैं और यहाँ पर सभी को एक्सप्लेन किया है, तो इन सभी मेडिकल टर्म को आप अपनी फेयर कॉपी में लिखना है आपको इनको, ठीक है ना। और चूँकि इम्पॉर्टेंट भी हैं ये, और इसके बाद में आपको यहाँ से द कॉन्स्टलेशन ओरिजिन एज एसोसिएट विथ, हाँ, लीजेंड्स, ये वाले जो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी आपको कंप्लीट करना है, ये पूरा आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपकी बुक में दिया है और इनके आंसर्स ये दे रखे हैं, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और इसका बहुत ही शॉर्ट आंसर है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड और इसका आंसर है ये, और क्वेश्चन नंबर थर्ड और इसका आंसर है ये, ये भी कंप्लीट कर लें, तो यहाँ से अपना चैप्टर एंड हो जाता है, आप अपनी इसको फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस ठीक से दिखाई नहीं देते हैं तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को एडवांस क्वालिटी में कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सही सही दिखाई देगा, ये जो लेटर्स हैं ये आपको करेक्ट दिखाई देने लगेंगे। ओके, थैंक यू।